हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज एम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन आयोडीन मेथड फ्रॉम गिवन ग्लूकोज सॉल्यूशन दिए गए ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट ऑक्सीडेशन मेथड से तय करेंगे उसमें आयोडीन का यूज करेंगे रिक्वायरमेंट 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल एप्रोक्स आयोडीन सॉल्यूशन 15 परसेंट सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वन नॉर्मल एच सी एल फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन, एज एन इंडिकेटर प्रिंसिपल इन अल्कली मीडिया ग्लूकोज रिएक्ट विथ आयोडीन एंड कन्वर्ट इन टू ग्लूकोनिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन यहाँ ग्लूकोज का अमाउंट तय करने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करने वाले हैं इसमें आल्कली सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंट में ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है इसमें I2 के साथ रिएक्शन होती है और I2 ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन करता है यहाँ रिएक्शन में दरमा रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन होने के बाद एक्सेस अमाउंट में जो आइपोआडिक एसिड है वो एस के साथ रिएक्शन से लिबरेट करेगा लिबरेट आयोडीन का टाइट्रेशन हम पॉइंट वन नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट करेंगे और उसके जरिए हम कंज्यूम होने वाले यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले आई टू का वॉल्यूम तय करेंगे नीचे दिए गए रिलेशनशिप का यूज करके गिवन सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट तय करेंगे 2000 थाउजेंड 1 वन नॉर्मल आई टू इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज की मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी सिक्स एट ट्वेल्व ओ सिक्स जिसमें कार्बन का एटमिक वेट है ट्वेल्व ग्राम मोल हाइड्रोजन का वन और ऑक्सीजन का सिक्सटीन है उसका यूज़ करके हम अगर ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट तय करेंगे तो मोलिकुलर वेट आएगा 180 ग्राम पर मोल यानी कि 2000 थाउजेंड 1 वन नॉर्मल आई टू इज इक्वल टू वन ग्राम ग्लूकोज रिएक्शन इक्वेशन यहाँ सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंट में यानी कि बेसिक मीडियम में ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है यहाँ ट्वेंटी फाइव एम एल आई टू जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऐड करेंगे तो आई टू की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन से सोडियम हाइपोआयोडाइट प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइपोआयोडाइट में से कुछ सोडियम हाइपोआयोडाइट का ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्जन में यूज होगा जिसमें एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा यानि कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अनयूज सोडियम हाइपो आयोडाइड की एस के साथ रिएक्शन से I2 लिब्रेट लिबरेट होगा और लिबरेट हुए I2 का सोडियम थायोसल्फेट के सामने टाइटेशन करके हम अनयूज सोडियम हाइपो आयोडाइड यानी कि आई टू का वॉल्यूम तय करेंगे और उसके जरिए हम हम अप यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए यूज होने वाले आई टू का वॉल्यूम तय करेंगे और उसके ज़रिए हम ग्लूकोज का अमाउंट तय करेंगे 250 फिफ्टी के मेजरिंग फ्लास्क में दिए गए ग्लूकोज के सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 फिफ्टी डाइल्यूट करेंगे मेजरिंग फ्लास्क में दिए गए मार्क तक डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और 250 फिफ्टी एम एल डायल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर वाले पोर्शन को पिपेट से ड्रॉप पाए ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 फिफ्टी एम सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के लिए तीन सेट तैयार करेंगे उसके लिए रिएजन बॉटल में 25 फाइव एम ग्लूकोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसमें 5 ml 15% Na2CO3 परसेंट एन ए का सॉल्यूशन ऐड करेगी ट्वेंटी फाइव एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आई टू का सॉल्यूशन ऐड करेगी बाद में उसको क्लोज करके रिएजन बॉटल को सनलाइट से दूर डार्क एरिया में 30 मिनट्स तक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए रखेंगे अब I2 के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल एग्जैक्ट थायोसल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे ट्वेंटी फाइव I2 आई टू का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेगे उसमें इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन ऐड करके थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेगी स्टार सॉल्यूशन ऐड करने से सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा और पॉइंट वन नॉर्मल थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप थायोसल्फेट का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं यहाँ कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस हो गया है और बूर टीडिंग है ट्वेंटी फाइव एम एल अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के लिए थर्टी मिनट्स तक रखे इस सेट को हम बाहर निकालेंगे और रिएजन बॉटल में ट्वेंटी एम एल वन नॉर्मल एस सी एल एड करेंगे बाद में उसमें इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा और अनयूज लिमिटेड आई टू का टाइट्रेशन पॉइंट वन नॉर्मल थायोसल्फेट के अगेंस्ट करेंगे और उसका वॉल्यूम तय करेंगे कलर चेंज हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है फोर्टीन पॉइंट थ्री एम एल प्रोसीजर सेक्शन वन में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट यह हमने प्रयोग के दौरान देखा कि ब्लैंक एक्सपेरिमेंट में हमें ब्यूरेट रीडिंग मिलता है ट्वेंटी फाइव एम एल कैलकुलेशन सेक्शन वन एग्जैक्ट नॉर्मालिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन यानी कि पॉइंट वन नॉर्मल अप्रोक्स आयोडीन का सॉल्यूशन था उसमें आई टू की एग्जैक्ट नॉर्मलिटी कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें ब्यूरेट रीडिंग मिला है ट्वेंटी फाइव एम एल कि ट्वेंटी फाइव एम एल आयोडीन सॉल्यूशन रिक्वायर वॉल्यूम ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट यानी कि ट्वेंटी फाइव एम एल आई टू के लिए रिक्वायर सोडियम थायोसल्फ़ेट का वॉल्यूम है ट्वेंटी फाइव एम एल एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू इक्वेशन के जरिए हम आयोडीन की एक्जैक्ट नॉर्मालिटी कैलकुलेट करेंगे एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू सोडियम थायोसल्फ़ेट तो हमें यहाँ आयोडीन की नॉर्मालिटी कैलकुलेट करनी है तो एन वन को करता बनाएंगे यानी कि एन वन इज इक्वल टू एन टू वी टू अपॉन वी वन एन टू सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मालिटी है पॉइंट वन एक्जैक्ट है ब्यूरोट है वी टू ट्वेंटी फाइव एम एल और ट्वेंटी फाइव एम एल हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था यानी कि एन वन इज इक्वल टू पॉइंट वन नॉर्मल मिलेगा यानी कि द नॉर्मालिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज पॉइंट वन नॉर्मल सेक्शन टू में हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के जरिए जो ब्यूरियड रीडिंग मिला था जो जिसके ज़रिए हम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले आई टू का वॉल्यूम तय करेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जिसमें हमें यहाँ पीरियड रीडिंग मिला था 14.3 पॉइंट यानी कि यहाँ एक्चुअली हमने 25 फाइव एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऐड किया था एक्चुअली 25 फाइव एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन एडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 25 फाइव एम एल डायल्यूट ग्लूकोज सोल्यूशन यानी कि 25 फाइव एम एल ग्लूकोज के डायल्यूट सोल्यूशन के लिए हमने 25 फाइव एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन एड किया था अनयूज वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट थ्री एम एल सेकेंड सेक्शन में हमें अनयूज ऑफ आयोडीन सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलता है यानी कि ब्यूरेट रीडिंग जो फोर्टीन पॉइंट थ्री एम एल था वो अनयूज आयोडीन का वॉल्यूम है यूज वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एल डायल्यूट ग्लूकोज ट्वेंटी फाइव एम एल ग्लूकोज के डायल्यूट सोल्यूशन के लिए पॉइंट वन नॉर्मल आयोडिन का जो सोल्यूशन ऑक्सीडेशन में यूज हुआ था वो वॉल्यूम होगा ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन पॉइंट थ्री टोटल हमने ट्वेंटी फाइव एम एल एड किया था उसमें से 14.3 पॉइंट थ्री अनयूज था यानी कि कंज्यूम यानी कि ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले आयोडिन का वॉल्यूम होगा ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन पॉइंट थ्री इज इक्वल टू टेन पॉइंट सेवन एम नाउ इक्वेशन से जरिए हम कह सकते हैं कि वन नॉर्मल वन मोलर आई टू इज इक्वल टू टू मोलर थायोसल्फेट इज इक्वल टू वन मोल ऑफ ग्लूकोज यानी कि टू थाउजेंड एम एल वन नॉर्मल आई टू इज इक्वल टू वन ग्राम ग्लूकोज और वन थाउजेंड एम एल वन नॉर्मल आई टू इज इक्वल टू वन एटी बाई टू इज इक्वल टू नाइन्टी ग्राम ग्लूकोज यहाँ हमने पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन का यूज़ किया था इसलिए वन एम एल और पॉइंट वन नॉर्मल के लिए फैक्टर निकालेंगे तो वन एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन इज इक्वल टू नाइन्टी अपॉन टेन थाउजेंड यानी कि जीरो पॉइंट डबल जीरो नाइन ग्राम ग्लूकोज होगा यहाँ ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले आयोडीन का वॉल्यूम था टेन पॉइंट सेवन यानि कि टेन पॉइंट सेवन एम एल पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन का यूज़ अगर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में होता है तो गिवन सॉल्यूशन यानी कि ट्वेंटी फाइव एम एल में ग्लूकोज का अमाउंट होगा जीरो पॉइंट डबल ज़ीरो नाइन इंटू टेन पॉइंट सेवन यानी कि ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो नाइन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0963 ग्राम ग्लूकोज़ यानि कि 25 फाइव ग्लूकोज़ के डाइल्यूट सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट है 0.0963 ग्राम 3 ग्राम यानि कि गिवन सॉल्यूशन में यानी कि 250 टू फिफ्टी सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट है 0.0963 पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स थ्री इंटू टेन ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री ग्राम ग्लूकोज़ यानी कि गिवन सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट है जीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री ग्राम रिजल्ट वन नॉर्मल नॉर्मालिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पॉइंट वन नॉर्मल टू वॉल्यूम ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एल डायल्यूट ग्लूकोज इज इक्वल टू टेन पॉइंट सेवन एम एल यानी कि ग्लूकोज के ट्वेंटी फाइव एम एल डायल्यूट सॉल्यूशन के ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट वन नॉर्मल आयोडीन का वॉल्यूम है टेन पॉइंट सेवन एम एल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन गिवन सोल्यूशन दिए गए सोल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट है ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री ग्राम Thank you for watching.